भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आज लगभग 35 दिनों के पश्चात सरकार के आदेशानुसार हिमाचल पत्रों निगम मंडी ने भी अपनी बसें शुरू की हैं और हमने आज के दिन करीब 65 रूटों का शेड्यूल तैयार किया है, जिसमें हमने कोशिश की है कि हम मंडी जिला के प्रत्येक ग्रामीण रूट पर टच करें और प्रत्येक रोड पर कम से कम सुबह शाम आम यात्री को बस सुविधा उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा आज पहली बस हमारी शिमला के लिए 5 बजे निकली। शिमला के अलावा छतरी, जंजैली, इन रूटों पर गाड़ियाँ भेजी गई और यदि आवश्यकता हुई तो लोगों की मांगानुसार हम कोशिश करेंगे कि लोगों को सुविधा के लिए और भी गाड़ियाँ चलाई जाएं। हमने जो प्रोटोकॉल्स तय किए सरकार ने, हर गाड़ी को सैनिटाइज करके हम रूट पर भेज रहे हैं। अभी हमने जितनी गाड़ियाँ हमने शेड्यूल्ड की हैं उसके अलावा 10% एक्स्ट्रा गाड़ियाँ भी तैयार रखी हैं और उन्हीं के मुताबिक हमने अपना स्टाफ बढ़ाया है और आने वाले दिनों में यदि आवश्यकता हुई और ऐसा महसूस किया गया कि लोगों की आवाजाही ज़्यादा है और बसेज कम पड़ रही है तो हम और स्टाफ बढ़ाएंगे और लोगों की मांगानुसार बसेज उपलब्ध करवाएँ। मैं जो तय प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक मैंने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए 50% जो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से जो सीटिंग कैपेसिटी है उसके मानक तय रखे गए हैं, उसके हिसाब से हमने आदेश दिए हैं। अगर कहीं लगता है कि किसी रूट पर ज़्यादा सवारियाँ हैं तो हम एक्स्ट्रा बस देंगे, जो लोकल रूट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं सुबह शाम उसकी तैयारी करके रखी है, अगर जरूरत पड़ती है उसको लगाएंगे। आज प्रथम दिन ना तो अभी कोई डिमांड आई, लेकिन आज के बाद जैसे जैसे डिमांड आएगी उसको हम असेस करेंगे और वहाँ हम कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा बस चलाएँ।